बस्ती सदर सीट से जनशक्ति पार्टी के बस्ती सदर विधानसभा 310 के उम्मीदवार ज्ञान प्रकाश तिवारी, वर्तमान सरकार किसानों युवाओं को गुमराह कर रही है, विकास के नाम पर जनता को ठग रही है। उन्होंने कहा कि अगर बस्ती सदर की जनता हमें मौका देती है, क्यों हम विधानसभा बस्ती सदर में विकास की गंगा बहाएंगे, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। वहीं पर ज्ञान प्रकाश तिवारी ने कहा, एडवोकेट एवं पत्रकार को मानदेय देने की घोषणा की, आप लोग मिल करके अगर हमें विधानसभा में पहुंचाएंगे तो मार्ग गरीब मजलूम जनता का साथ देकर तथा रोजगार सेवकों को मानदेय दिलाने का कार्य करेंगे। इन्हीं के साथ चल रहे अटल जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव राजन गुप्ता ने कहा, बस्ती सदर विधानसभा से ज्ञान प्रकाश तिवारी को अगर आप लोग विधायक बनाते हैं, जनता सहित के किसान मजदूर संविदा कर्मी एडवोकेट और पत्रकारों को उनका हक और मानदेय दिलाने का संकल्प बंद है। हमारे एजेंडे में बुलडोजर बाबा का बुलडोजर अब खत्म होने वाला है। आने वाले समय में अटल जनशक्ति पार्टी को जनता जिताए और सम्मान उपाय, वह हमारी विनती है कि क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं और किसानों से अपील कर रहा हूं कि आने वाले समय में 3 तारीख को अपना मत सोच समझ कर अटल जनशक्ति पार्टी को दीजिए। बस्ती से अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। आप लोगों के दुआओं पे, लोगों के आश्रय पे यहाँ चुनाव लड़ करके सदन जाना चाहते हैं, लेकिन मैं मजदूरों के, गरीबों के, संविदा कर्मियों के दुआओं का, उनके हित के लिए एक अच्छी सोच के साथ सदन जाना चाहता हूँ। चुनौतियाँ बहुत है आपके सामने, कैसे मुझे कोई फर्क नहीं है, कोई भी लड़ाई अंतिम नहीं होती है। मैंने लक्ष्य बनाया है सदन में जाकर के इनकी लड़ाइयों को लड़ने के लिए, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, संघर्ष मेरा निरंतर जारी रहेगा। बीजेपी कहती है किसानों की आय दोगुनी कर दी गई। हाँ, अच्छी बात है। तमाम नेताओं का आप लोग आय का ब्यौरा निकाल लीजिए, शायद उनके राजनेताओं की दुगुनी हो गई है। किसानों की स्थिति तो बद से बदतर है। उसी नगर से हूँ। अच्छा, आज अटल जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है, किन किन मुद्दों को लेकर के? देखिए, बस्ती सदर 310 विधानसभा से हमारे सम्माननीय साथी और कुशल वक्ता, योग्य प्रतिनिधि के रूप में साबित होने वाले आदरणीय ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी यहाँ अटल जनशक्ति पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और हम तो इनके लिए कुशीनगर से चल कर आए हुए हैं, और सभी बस्ती सदर के साथियों से, सम्मानित जनता से, किसानों, नौजवानों, छात्रों, संविदा कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और जितने राज कर्मचारी हैं, यहाँ के जितने शोषित पीड़ित दलित समाज के लोग हैं, सबसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने बीच के साथी आचार्य ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी को थाली, भोजन भरी थाली के चुनाव चिन्ह पर आगामी 3 तारीख को जो इलेक्शन होगा उस पर इनको ईवीएम में बटन दबाकर भारी मतों से सदन में पहुंचाने का काम करें, जिससे कि या हम सबों की आवाज़ बन करके सदन में हम लोगों की मांग को उठाएं। और हम ये कहेंगे कि देखिए, यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बुलडोजर हम चलाएंगे, तो हम उनसे कहेंगे कि बहुत हो गई बुलडोजर की बात, अब आइए हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार के विषय पर, महंगाई के मुद्दे पर, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर, संविदा कर्मचारियों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। और कब तक हम बुलडोजर और तमंचा और इन सब चीज़ों पे चुनाव लड़ेंगे, बुनियादी चीज़ों पे चुनाव लड़ा जाए, और इसके लिए हमारे काबिल प्रत्याशी। प्रमुख मांगे आपकी क्या हैं, क्या क्या विकास करेंगे क्षेत्र में? ये बस्ती सदर के विकास के लिए आचार्य ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी यहाँ पे जो संविदा कर्मचारी हैं नगर पालिका में, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो यहाँ पे बजबजाती नालियाँ हैं, जो सही तरीके से सदर बस्ती का विधानसभा का विकास नहीं हो पाया, उसके लिए लड़ेंगे। लोगों की आवाज़ को सदन में बुलंद करेंगे। छात्रों, नौजवानों, किसानों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनके उनकी आवाज़ बन करके सदन में अपनी बात। बस्ती सदर में 2 चीनी मिले हैं, दोनों बंद हैं जी। तो यदि यहाँ की सम्मानित जनता ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी को मौका देती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आचार्य ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी बस्ती सदर की जो दोनों विधानसभा में चीनी मिले हैं, उसको अभियान चलवाने का कोशिश करेंगे, जिससे किसानों को फायदा मिल सके।
जी नेता जी बताइए, आप बस्ती विधानसभा सदर से चुनाव लड़ रहे हैं अटल जनशक्ति पार्टी से, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, प्रमुख रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बड़ी राजनीतिक दलें हैं, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये टिकट देने के लिए धन बल देखती हैं, बाहुबल देखती हैं और ऐसे कैंडिडेट्स का चुनाव करती हैं कि वो करोड़ों का व्यय गलत तरीके से कर सके। ऐसे लोग कतई जो धन बल, बाहुबल और बड़े बड़े गाड़ियों से आ करके पब्लिक के बीच में प्रचार करते हैं, बड़े टिकट का तमगा ले करके आ करके प्रचार करते हैं और विधायक बनने के बाद निश्चित वो क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं, केवल अपना विकास करते हैं। मेरी एक सोच है, जितने कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं बड़ी पार्टियों के, उनका सोच ये है कि मैं किसी तरह से विधायक बनूं, विधायक बनकर के सदन में पहुंचूं और मैं अपने अभाव को दूर करूं। मजदूरों को समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, मैं एक गरीब ब्राह्मण किसान का बेटा हूं, मुझे यह पता है, मैं एक संविदा कर्मी भी हूं, मुझे यह पता है कि संविदा कर्मियों का दर्द क्या है। मैं मजदूरों के बीच में रह करके 14-15 सालों से निरंतर सेवा कर रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि मजदूरों की समस्याएं क्या है। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं किसानों की समस्याएं क्या है। बड़े बड़े आईएएस पीसीएस, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेतागण अपने नाम के आगे चौबे छब्बे उपाध्याय तिवारी शुक्ला लगा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन जहां ब्राह्मण समाज की बात आती है मुखर होकर के अपनी आवाज़ नहीं निकालते हैं। मैं उन दलित ब्राह्मणों को, मैं दलित ब्राह्मण कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज के डेट में आय की संख्या अगर देखी जाए तो सबसे बुरे स्थिति में ब्राह्मण हैं, जिनकी औसत आय देखा जाए तो 500 से कम है।